नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टेरेस पे से, गार्डन पे से। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्क कर रही थी और आज कुछ खास इंपॉर्टेंट डे है। आज का लंच जो है बहुत अलग होने वाला है, स्पेशल डे है, वो मैं एंड में बताऊँगी आपको क्या है आज। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कैना लिली के बल्ब जो है उनको सेव कर रखा है और उनको निकाल दिया है, सेव कर लूँगी इनको, और मिट्टी सुखा दी है। और यहाँ पर देखिए, आज फिर पोई साग की हार्वेस्टिंग हुई है। मुझे ये टब है, नेबर ने दिया था हमारे, इसको खाली करना है बिकॉज़ ये टूट गया है, डैमेज हो गया है। मैं इसको इधर उधर सरकाती हूँ ना तो भी डैमेज हो जाता है, और गार्डन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक भी प्लांट को इधर उधर ना करना पड़े, कभी ना कभी तो उसे हटाना ही पड़ता है। तो मैंने ऊपर से कट कर लिया है और नीचे की तरफ ये जो बच गई हैं इनको मैं दोबारा से ग्रो कर दूँगी। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इनमें रूट बनी हुई है तो ईजिली ग्रो हो जाएंगी। आप कोई साग को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। सिस्टिकेटी वाड़िया चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैंने इस टॉपिक पर बनाए हैं, अगर आपको फिर से जानना हो इस चैनल पर तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी, प्लीज़ कमेंट कर देना। तो कोई साग मैंने दे दिया है सृष्टि को, और देखते हैं इसको मैं थोड़ा सा उबाल कर रख लूँगी, हल्की सी एक सीटी लगा कर, देखते हैं कब बनाएंगे। और ये कट्टा मैंने रेडी कर लिया है, कंपोस्ट का खाली बैग है ये, इसमें मिट्टी फिल कर दी है और ऊपर से कुछ पत्ते वगैरह जो पड़े थे गार्डन में वो भी डाल दिए। इसी में एक दो ब्रांच मैं ज़रूर लगा दूँगी। और आज मैं बहुत अच्छा लंच बनाने वाली हूँ, अपनी पसंद का और अपने बच्चों की पसंद का। मिट्टी भी सूख रही है तो अब आ गए हम किचन में, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है क्योंकि मैं खीर बनाने वाली हूँ। दो तेज पत्ते लिए हैं, दो इलायची ली है छोटी वाली, इनको मैंने पानी में डाल दिया है। ये है चावल, ज़रा सी खीर बना रही हूँ, ये ज़रा सी ही फूल कर डबल तिबल हो जाती है। वॉश करके मैंने चावल को डाल दिया। देखिए, जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो पहले हल्के से पानी में अब चावल को हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट दूध से भी ग्रो, सॉरी दूध से आप अपना चावल को उबाल सकते हो, ठीक है। ग्रो ग्रो ज़्यादा निकलता है मुझसे क्योंकि गार्डन का काम इतना सारा करते हैं ना। तो ये देखिए, अच्छे से खद्दे लग गए हैं पानी में, आप चाहो तो दूध में उबाल सकते हो। मेरे घर पर मम्मी जी पापा जी जब बनाते हैं ना कभी तो दूध में ही हम उबालते हैं, बट यहाँ आकर मैं थोड़ा शॉर्टकट अपनाती हूँ क्योंकि पानी में उबालो तो इसको छोड़कर आप दूसरा काम कर सकते हो, बट दूध में उबालो तो वहीं खड़े रहना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में आकर मैं इसको चला रही थी, और बहुत सारा काम करना है आज मुझे। तो लंच में कुछ अच्छा बना रहे हैं और डिनर में उससे भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो पानी बिल्कुल कम हो गया है इसमें, तो अब मैंने यहाँ पर फुल क्रीम वाला दूध डाला है, पूरा एक लीटर, ठीक है, एक लीटर में काफ़ी है। और ये खीर भी हमने जब खाई थी, ये वीडियो काफ़ी पहले का बना हुआ है, अप्रैल में मैंने शूट किया था, बट किसी वजह से पूरा एक महीने के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है। इसका शुरुआत के जो पार्ट थे वो मुझसे मिस हो गए थे, मैं सोच रही थी ना अपलोड करूं, बट बनाया है तो ज़रूर अपलोड करेंगे। यहाँ पर साइड में चावल उबल रहे हैं और कुकर में जो है वो राजमा मैंने, सॉरी छोले उबाल कर रखे हैं, तो उसको भी छौंकना है मुझे। तो छोले की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ इसलिए दिखा नहीं रही हूँ, शॉर्टकट में मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको हिलाते हुए, मिक्स करते हुए, चलाते हुए अपनी खीर को पका लेंगे। खीर बनाने में आप थोड़ा धैर्यपूर्वक रख बनाओगे इसे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर बादाम, किशमिश और डेसिकेटेड कोकोनट मैंने लिया है, और खीर को बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट आराम से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, आप चाहो तो और भी डाल सकते हो, जैसे सनफ्लावर सीड होते हैं और बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे तरबूज खरबूज के भी सीड होते हैं, वो सब भी डाल सकते हो। चेरी वगैरह आती है वो डाल सकते हो, और पिस्ता आता है वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, एक चम्मच भरकर मैंने घर की फ्रेश क्रीम जो दूध पे से उतरती है ना वो वाली मिक्स की है, इससे क्या होगा इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और हमारी खीर जो है वो भी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, हम अपना सब कुछ, खीर वगैरह कुछ भी मैं मीठा बनाती हूँ वो सारा का सारा खांड में बनाते हैं। तो इस बार लकीली मेरे पास वाइट वाली खांड थी तो वो डाल दिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी वो जो थोड़ा सा येलोपन वाली खांड आती है ना, हल्की सी ब्राउन वाली, वो हर्ष को पसंद नहीं आती क्योंकि खीर का कलर चेंज हो जाता है तो वो नहीं खाता है, नखरे करता है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट के बाद मेरी खीर जो है फाइनल स्टेज पर है और ये बिल्कुल रेडी होने वाली है। और इसके बाद मैं आपको छोले दिखाती हूँ, वो भी मैंने छौंक रखे हैं, छोले भी रेडी हो गए, इनको हम अब उतार लेते हैं। खीर भी रेडी हो गई, छोले भी रेडी हो गए, पूरी बनाने का टाइम है। तो देखा दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें मैंने बना ली है, शॉर्टकट में आपको दिखाया है कि मैंने क्या बनाया है, क्योंकि छोले की रेसिपी आप सबके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। चलिए अब आगे मैं आपको पूरी बनाना बताती हूँ कि मैं अपने स्टाइल में पूरी कैसे बनाती हूँ। तो आज स्पेशल डे है इसलिए थोड़ा सा मेकअप भी अच्छा किया है और कान के भी चेंज कर दिए हैं और ड्रेस भी बहुत अच्छी पहनी है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको पूरी बनाना सिखाती हूँ।
ये दोस्तों जब हम कोलकाता में थे तो प्योर बिल्कुल मैदे से बनाते थे पूरी, बट दिल्ली में आकर हम थोड़ा मिलावटी हो गए हैं। तो एक प्लेट मैंने लिया है, कटोरी से, प्लेट से किसी चीज़ से ले सकते हो। एक कटोरी मैंने यहाँ पर आटा लिया और एक कटोरी के करीब, मतलब प्लेट के करीब ही, छोटी प्लेट है मेरी, उसमें मैंने मैदा मिक्स किया है। चूड़ियाँ आपको दिख गई हूँ, मेरे फेवरेट कलर की चूड़ी आज मैंने पहनी है, क्योंकि मैंने सूट भी बहुत ही अच्छा पहन रखा है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, और उसके बाद मैंने मोइन उठाने के लिए इसमें डाला है अपना तेल, ठीक है, सरसों का तेल जो आपके पास हो वो डाल सकते हो। साका पोला मैंने पहना है, क्योंकि साका पोला हमारे कोलकाता में माना जाता है कि जो भी सुहागन, मतलब मैरिड स्त्रियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो साका पोला हमेशा पहन के रखती हैं, कभी नहीं उतारती है। बट दिल्ली में आके थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, जैसा यहाँ करते हैं सब वैसा ही मैं भी करने लगी हूँ, वैसे ही पहनने लगी हूँ। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, बट ये शुभ होते हैं, तो आज इम्पॉर्टेंट डे है लाइफ का, इसीलिए मैंने साका पोला पहने हैं और अगले एक हफ्ते तक मैं इनको पहने रखूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको, आटे को गूंद लेंगे। और अगर आप सर्दियों में इसे बना रहे हों तो प्लीज़ पानी को गर्म कर लेना हल्का सा, और आप चाहो तो यहाँ पर इसमें दही भी मिक्स कर सकते हो। मैंने दही मिक्स नहीं की है, दही मिक्स करोगे तो बहुत अच्छे बनेंगे ये, ठीक है। तो चूड़ियाँ उतारनी नहीं थी, नहीं तो मैं हमेशा जब भी आटा गूंदती हूँ चूड़ियाँ उतार कर गूंदती हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मैं चूड़ियों को पीछे कर रही थी। तो देखिए आटा मेरा जो है वो रेडी हो चुका है, इस तरह से पानी आधा गिलास से ज़्यादा हमारा बच गया है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से उलट पुलट करके मिक्स कर लेते हैं, और हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा कर रख देते हैं। हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो वही वाला मैंने यहाँ पर इसमें लगाया है, आप जो यूज़ करते हो वो लगा लेना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, क्योंकि जब ये रेस्ट करेगा तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और फिर पूरियाँ जो है हमारी बहुत अच्छी बनेंगी। तो लगभग 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, आप चाहो तो ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, आधा घंटा के करीब भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। अब देखिए उसी कढ़ाई में से तेल लेकर बेलने को और चकले को मैंने ग्रीस कर लिया है, और पूरियाँ देखिए मैंने भटूरे के टाइप की बनाई है, ठीक है। थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगी, आप चाहो तो छोटी छोटी भी बना सकते हो। मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे, क्योंकि छोले के साथ थोड़ा भटूरा अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़े से मैंने मोटा बनाया था, आप चाहो तो पतले पतले भी बना सकते हो। ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें आराम से अपने भटूरे को डाल देना, और दही डालोगे ना इसमें तो सच में भटूरे बड़े अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी के साइज़ के ही रखे थे, वैसे हमारे घर पे तो इससे छोटी छोटी पूरियाँ बनती है। और ये देखिए ऐसे हल्का सा प्रेस करोगे ना तो आपकी पूरी जो है ना बिल्कुल रसगुल्ले की तरह फूल जाएगी। तो एक पूरी मैंने पलट के साइड कर दी थी और फिर दूसरी पूरी उस पर डाल दी थी, तो दूसरी भी फूल गई। देखिए ये होता है तरीका भटूरे या पूरी बनाने का, आप उसको हल्का सा प्रेस कीजिए, गर्म ऑयल रहेगा तो सब अच्छे से बनेगा, अगर आपका ऑयल ठंडा हो जाएगा तो पूरियाँ या भटूरा अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से सारा बना लेती हूँ, फिर फाइनल प्लेट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रेडी हुई थी। तो ये है दोस्तों हमारा आज का लंच, ये सब कुछ मैंने लंच में बनाया है, डिनर में नहीं, डिनर का प्रोग्राम कुछ और अलग होगा। तो ये है आज का हमारा लंच, और मैं सिस्टी की प्लेट सिस्टी को दे चुकी हूँ, और ये है हर्ष की प्लेट, ये देखिए सिस्टी अपना खा रही है मज़े से, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये हर्ष की प्लेट है, तो आप भी ज़रूर ये सारी चीज़ें बनाइए, मेरे स्टाइल में पूरी बनाइए और मेरे स्टाइल में बनाइए अपनी खीर, और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए।